नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, पर अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी भाषा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज मिलते ही रहेंगे। तो चलिए आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। पिछला वीडियो था जो कि काल के ऊपर था, जिसमें हमने चर्चा किए थे वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में, जो कि हमने उदाहरण के साथ समझा था। तो आज हम बात करेंगे भूतकाल के बारे में। तो पहले हम भूतकाल की परिभाषा जानते हैं, फिर हम भूतकाल के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो चलिए, भूतकाल की परिभाषा क्या है वो पहले हम चर्चा करते हैं। तो भूतकाल किसे कहा जाता है? जिस क्रिया से वाक्य की समाप्ति का बोध हो उससे भूतकाल कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य है जिसमें हम अगर क्रिया को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि क्रिया समाप्त हो चुका है, मतलब हो चुका है, पहले हो चुका है, उससे हम कहते हैं भूतकाल, मतलब क्रिया की समाप्ति का बोध हमें हो रहा हो। जैसे कि मैं आपको दो वाक्य बताती हूँ, जैसे कि सुशांत आया था, सुशांत आ चुका है, आया था, आकर चला गया है, जो यही भूतकाल। जैसे कि वो खाया था, वो खा चुका है, ये है भूतकाल। अब हम बात करेंगे भूतकाल के भेद के बारे में, कितने भेद हैं जो कि हम विस्तृत रूप में जानेंगे। दोस्तों, अगर हम भूतकाल की प्रकार भेद के बारे में बात करते हैं तो भूतकाल की 7 प्रकार भेद है, मतलब 7 भाग में भूतकाल को विभक्त किया गया है। और वो क्या क्या है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत और संभाव्य भूत। भूतकाल के कितने भेद है? 7। और क्या क्या है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत और संभाव्य भूत। चलिए, ये जो 7 भेद है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं सामान्य भूत की। तो सामान्य भूत किसे कहा जाता है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उससे हम सामान्य भूत कहते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। एक वाक्य है जिसमें हमें क्रिया, जो क्रिया विशेष है, उसका समय का ज्ञान नहीं हो रहा है, मतलब हमें पता है कि भूतकाल हम उसे कहते हैं जो खत्म हो चुका है, उसे हम कहते हैं क्रिया भूतकाल। तो एक वाक्य आपके सामने होगा जिससे आपको समय का ज्ञान, ये तो पता चलता होगा कि वो जो क्रिया विशेष है वो खत्म हो चुका है क्योंकि भूतकाल में हो रहा है, परंतु उसका जो समय का ज्ञान, जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ आपको, राम आया, राम आ चुका है पर कब आया, हमें समय का ज्ञान यहाँ पर नहीं हो रहा है। रीता गई, रीता चली गई है, परंतु जो समय का ज्ञान, कब गई, कुछ देर बाद गई या पहले ही जा चुकी थी, वो जो समय का ज्ञान है वो हमें यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो उससे हम कहते हैं सामान्य भूत। अब हम बात करने जा रहे हैं आसन्न भूत के बारे में। तो आसन्न भूत किसे कहा जाता है? इससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया की समाप्ति निकट भूत में हुई है, मतलब जो क्रिया की समाप्ति है वो अभी अभी हुई है, निकट भूत में हुई है, उससे कहते हैं आसन्न भूत। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने आम खाया था, राम ने जो आम खाया था वो अभी अभी खाया था, बहुत पहले नहीं खाया, तो इससे कहते हैं आसन्न भूत। तो अब हम बात करते हैं पूर्ण भूत के बारे में। तो पूर्ण भूत की परिभाषा क्या है? पूर्ण भूत उससे कहा जाता है जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य आपके सामने होगा जिससे आपको ये पता चलता होगा वो जो क्रिया है उसे समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, समय का व्यवधान जो है वो काफी ज्यादा है, उससे हम कहते हैं पूर्ण भूत। जैसे उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा था, हमें पता है कि राम जी ने काफी पहले ही मारा था रावण को, तो इसे कहते हैं पूर्ण भूत। तो परिभाषा क्या है? पूर्ण भूत उसे कहा जाता है जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है। अब हम बात करते हैं अपूर्ण भूत। तो इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी
किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य आपके सामने होगा जिसे आपको ये पता होगा कि ये जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, पर उसका जो समय का ज्ञान आपको नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए, अमूल्य गीत गा रहा था, अमूल्य गीत गा चुका है, पर किस समय उसका जो गीत है वो समाप्त हुआ वो आपको पता नहीं चलता। अमूल्य गीत गा रहा था, कब उसका गीत समाप्त हुई वो आपको पता नहीं चलता है, उसे कहा जाता है अपूर्णभूत। तो अपूर्णभूत की परिभाषा क्या हुई? इससे यह ज्ञान होता है, इससे हमें यह ज्ञान होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता हमें नहीं चलता। अब हम बात करते हैं संदिग्ध भूत की। तो संदिग्ध भूत किसे कहा जाता है? इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। मतलब आपको पता है कि कुछ होने वाला था, परंतु आपको ये पता नहीं है कि वो पूरा हुआ या नहीं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी। आपको पता है कि सीता पुस्तक पढ़ रही थी, परंतु वो पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ी या नहीं वो आपको पता नहीं है, इसीलिए वो है संदिग्ध भूत। तो परिभाषा क्या हुई? इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। अब हम बात करेंगे हेतुहेतुमत भूत के बारे में। तो हेतुहेतुमत भूत किसे कहा जाता है? इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। इसका मतलब क्या है? हमें पता है कि क्रिया होने वाली थी, परंतु वो जो होने वाली थी वो कोई भी वजह से, मतलब किसी कारण की वजह से वो नहीं हो पाई, तो उसे कहा जाता है हेतुहेतुमत भूत। तो उदाहरण क्या है? यदि उसने पुस्तक पढ़ा होता तो उत्तर दे पाता। तो कोई है जो पुस्तक पढ़ने वाला था, परंतु कोई कुछ वजह हो गया जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाया और उत्तर नहीं दे पाया। तो ये है हेतुहेतुमत भूत। तो हेतुहेतुमत भूत का अगर हम परिभाषा करेंगे क्या, हेतुहेतुमत भूत उससे कहा जाता है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाला था या होने वाली थी, परंतु किसी कारण से वो नहीं हो सकी। अब अंत में हम बात करते हैं संभाव्य भूत की। तो संभाव्य भूत की परिभाषा क्या है? उसमें हमें भूतकाल में कार्य पूरा होने की संभावना थी ऐसा जान पड़ता है। इसका मतलब क्या है? एक वाक्य आपके सामने होगा जिससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये जो क्रिया है उसका जो क्रिया है वो भूतकाल में समाप्त हो चुका है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, शायद उसने आपको देखा हो। आपको ये पता नहीं है कि वो देखा है या नहीं, पर आपको लगता है कि वो आपको देखा है। तो इस तरह की वाक्य को संभाव्य भूत के अंतर्गत लिया जाता है। तो संभाव्य भूत किसे कहा जाता है? इसमें भूतकाल में कार्य पूरा होने की संभावना थी ऐसा जान पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल पूछनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे सवाल पूछनी हो, मतलब आपके दिल में कोई ऐसे सवाल हो जिसके जवाब की जल्दी हो आपको, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। Thank you.